नमस्कार। जसवीर कृष्ण चैनल पे आप सब बहनों का प्यार भरा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस कलर से बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाने वाले हैं। ये दो ही सिलाई का डिज़ाइन है, दो सिलाई के बाद वही टू सिलाई आपने रिपीट करते जाना है और बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बन के आएगा। तो इस डिज़ाइन को आप स्वेटर कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में, सॉक्स में डाल सकते हैं। और जब इसको आप बनाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से कलर में इसको एडजस्ट कर सकते हैं, डार्क कलर में भी और लाइट कलर में भी। दोनों ही कलर में ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, दो 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 ऐसे टू टू फंदों का डिज़ाइन है। देन इसमें जो बैक साइड है उसमें हम बिल्कुल उल्टी सिलाई बुनते हैं। तो लाइक ये देखिए, सीधा फंदा है ना एक, हमने क्या करना है, एक सीधी और उल्टी। जैसे ही बॉर्डर बुने, सीधी और उल्टी दो सिलाई आपने बना लेनी है। अब डिज़ाइन की फर्स्ट सिलाई है, फर्स्ट सिलाई में हमने क्या करना है, दो फंदे हमने सीधे बुनने हैं। दो फंदे सीधे बुनने के बाद एक एज स्टिच उतारना है चेन के लिए, एक सीधा बुना, थ्रेड करना है आगे। जैसे ही आपने थ्रेड आके किया, थोड़ा लूज रखना है थ्रेड, और एक सीधा फंदा और दूसरा भी सीधा फंदा हमने लेना है, और जो हमने थ्रेड आगे करके दो फंदे बुने हैं उसको ऊपर से ऐसे टपा देना है। तो थोड़ा सा लूज रखेंगे, उसके बाद फिर थ्रेड आगे कर लेंगे। बहुत आसान डिज़ाइन है। फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर दूसरा फंदा भी बुन लेंगे। अब जो हमने आगे फंदा करके जाली सी डालते हैं ना ऐसे, तो उसको ऊपर से टपा देना है ऐसे, ठीक है। फिर थ्रेड करेंगे आगे, हर बार टू टू फंदे बुनने हैं, तो दो दो फंदों के हिसाब से ही आपने फंदे डालने हैं। अब इस आगे किए हुए फंदे को ऊपर से टपा देना है, फिर थ्रेड करना है आगे और दो फंदे बुनने हैं सीधे। जब हम आगे थ्रेड करेंगे तो उसको थोड़ा लूज रखेंगे और उसको पकड़कर, क्योंकि ऊपर से टपाना है, बस ऐसे। फिर एक आगे फंदा करेंगे ऐसे, आगे करने के बाद दो फंदे सीधे बुनेंगे। तो हर बार जितने भी प्रोजेक्ट में फंदे हैं उसको ऐसे ही बुनना है। और लास्ट में हमने फिर जाली, जहां ऐसे थ्रेड आके नहीं करना, जैसे ही दो फंदे बुन लें, हम एक फंदा सीधा और दूसरा भी सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे ऐसे। तो ऐसे हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। अब आते हैं इसकी बैक साइड में। बैक साइड में हमने क्या करना है, फिर वही एक फंदा हमने एज स्टिच उतारना है, बाकी फंदे हमने पूरे उल्टे ही बुन कर कंप्लीट करने हैं। तो जोड़ा जोड़ा फंदे लेंगे दो दो के हिसाब से, है ना, ऑड फंदे नहीं लेने, इवन फंदे लेने हैं, मतलब दो दो दो। तो जितने भी आपके प्रोजेक्ट में फंदे हैं, अगर एक फंदा कम है उसको आप एक फंदा और बढ़ा लीजिए, तो दो दो फंदों के हिसाब से ही डिज़ाइन बनेगा। तो हमारी उल्टी सिलाई भी कंप्लीट होगी। जी देखिए, इतना सुंदर डिज़ाइन बना है। अब इसके बाद फिर हमने एक फंदा सीधा स्लिप करना है, उसके साथ दूसरा फंदा बुन लेना है। तो हमने बीच में अब कोई सिलाई नहीं देनी, इन्हीं दो जो हम टू सिलाई रिपीट बना चुके हैं, इन्हीं को रिपीट करना है। तो चलिए करते हैं रिपीट। थ्रेड आके और दो फंदे, वही दो फंदे बुनने हैं। पहले दो सीधे बुन लिए हमने, थ्रेड आके और वही दो सेम फंदे बुनने हैं, एक और दो। दो फंदे बुन लिए, अब इस फंदे को ऊपर से टपाना है ऐसे, फिर थ्रेड आगे करना है और नेक्स्ट के ये दो फंदे बुनने हैं, फिर इस फंदे को ऊपर से टपाना है, फिर थ्रेड आगे करना है, दो फंदे बुनने हैं और इस फंदे को ऊपर से टपाना है, बस ऐसे आपने डिज़ाइन को बनाते जाना है।
सीधा बुना सीधा बुना, इसको ऊपर से टपा दिया, थ्रेड आके सीधा बुना और ऊपर से टपा दिया, थ्रेड आके नो थ्रेड आके नहीं करना है, बस जितने फंदे बीच के हैं वो बुनने हैं, लास्ट में दो फंदे सीधे बुनने हैं। और इसकी भी बैक साइड हमने उल्टी ही बना कर कंप्लीट करना है ऐसे। ये देखिए हमने फोर सिलाई बनाई है और कितना सुंदर डिज़ाइन बन के आया है। तो अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो आप इसको बनाइए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जसबीर क्रिएशन को बहुत सा प्यार दें और ऐसे ये देखिए बनता बनता बन जाएगा। हमने नीचे बॉर्डर बुना था उसके ऊपर ही डिज़ाइन को बना दिया है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको बनाइए अपने बच्चों के साथ, उनके सुंदर सुंदर स्वेटर बनाइए और जब बन जाए तो हमें कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। जो जो बॉर्डर है इसका लिंक तो हम नहीं देंगे डिस्क्रिप्शन में, हम हमारे चैनल पे है जसबीर क्रिएशन पे जो बॉर्डर है वहाँ जाकर आप इस बॉर्डर को बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ, किसी अच्छे डिज़ाइन के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।